वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके, इसके झांसर का जो रेलवे सामान्य ज्ञान वन लाइनर का जो बुक आया है उसका हम टेस्ट योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 10 और 11 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर अभी तक प्रैक्टिस सेट 9 तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से हमारा जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका PDF मैं वहीं डाल देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यानी कि पीर पंजाल पर्वत का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो ये इंद्रासन चोटी है। कौन सा है? इंद्रासन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीका, थोड़ा सा इसको नीचे करने दीजिए, अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। ये किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे? किलिमंजारो का, अफ्रीका के किलिमंजारो का सर्वोच्च चोटी जो है, पर्वत शिखर जो है, वो तंजानिया में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। तो चमगादड़ के कारण कौन सी बीमारी होती है? इबोला जो बीमारी, अभी साल डेढ़ साल पहले इंजेक्शन भी इबोला का लगाया है, ठीक है। तो इबोला बीमारी जो होता है वो चमगादड़ के कारण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीजन जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी कि तीजन त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो तीजन जो है पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुमराडो में स्टेडियम किस देश में स्थित है, यानी रुमराडो जो स्टेडियम है वो किस देश में स्थित है। तो ये उत्तरी कोरिया में है। कहाँ पे है? उत्तरी कोरिया में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है, यानी कि प्रसुप्त अवस्था में कौन रहता है। तो चमगादड़ जो होता है ना वो प्रसुप्त अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधित करार में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और AMS यानी एम्बर बॉक्स शब्दों के क्या अर्थ हैं। तो इसके क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सब्सिडी। क्या होता है? सब्सिडी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो किसने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व? तो सिकंदर ने किया था। किसने किया था? सिकंदर ने किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्री में व्यक्तित्व अति संवेदनशीलता का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है गरीबी का खतरा। अति संवेदनशीलता का अर्थ होता है शोषण का खतरा, स्वास्थ्य के लिए खतरा, बौद्धिक संपदा के लिए खतरा, गरीबी का खतरा। तो इसके लिए गरीबी का खतरा होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी। पोलो खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो पोलो खेल की उत्पत्ति जो हुई थी मणिपुर में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक जो है नरेंद्र मोदी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठन इकाइयों के बीच डैश होता है, यानी कि क्या होता है? तो संगठन इकाइयों के बीच विभाजित होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारंपरिक नृत्य पाइका, पारंपरिक नृत्य पाइका जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये पाइका जो है वो झारखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? तो प्राचीन काल पर प्रकाश कौन डालता है? वो पुराण जो है वो प्राचीन काल के प्रकाश पर डालता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था? तो पहली विद्युत चलित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम जो था वो थोर था। क्या था? थोर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी चौखंड स्तूप जो है भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन हुआ था वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बफर स्टॉक का क्या अर्थ होता है? तो बफर स्टॉक का अर्थ होता है कि कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले वस्तुओं का भंडार जो होता है उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। यानी मान लीजिए जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग है उस चीज़ को आप बना के स्टोर कर दिए तो उसी को बोला जाता है बफर स्टॉक। यानी कमी पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार बफर स्टॉक कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो होता है ये आपको दिया जाता है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में। किस में? विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट 10 ख़त्म हो गया, अब हम प्रैक्टिस सेट 11 शुरू करने वाले हैं। तो 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर जो था वो 1658 में भारत में आया था। कब आया था? 1658 में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मछली के समूह को कहा जाता है? तो मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड बस सेना। मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है। तो 241 मील के आसपास तय किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो अजमेर में जो उर्स लगता है वो ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा खो खो का रन एंड टच खेल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था, तो बादशाह अकबर जो था बुलंद दरवाज़ा 1601 ईस्वी में बनवाया था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है ये टेबल टेनिस है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, अंडे की जर्दी, अंडा के अंदर जो पीला भाग होता है में कौन सा 90% से अधिक विटामिन रहता है, तो 90% से अधिक जो विटामिन रहता है वो विटामिन B12 रहता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे NR नारायण मूर्ति जो थे भारतीय सूचना औद्योगिक दिग्गज कंपनी इंफोसिस के प्रसिद्ध को फाउंडर थे और रिटायर्ड अध्यक्ष भी थे, ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया, तो जम्मू और कश्मीर का संविधान जो है वो 1956 में अपनाया गया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, तो सीसा जो है वैद्युतिक भौतिकी का एक बल का उदाहरण है, क्या होता है, बल का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है, स्ट्रोक, दमा, मधुमेह, क्षय, जो क्षय रोग होता है ये छूत की बीमारी होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड कौन है, रस्किन बॉन्ड है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है, तो ये मेघालय में देखी जाने वाली है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं, तो इसे हम बफर स्टॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं, कि जो खाद उपयोग होने वाला है जिसका ज़्यादा डिमांड है उसको हम स्टोर कर दें, तो वो बफर स्टॉक कहलाते हैं, इसके पहले हमने सेट में देखा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है, क्या है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और 11 का अंतिम क्वेश्चन 20, कि लोकप्रिय कुनबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये कुनबी नृत्य जो है ये गोवा राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।